गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम जपण की की लोड़ है? भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी सोढ़ी दसदे ने कि मन का सुभा है कि निचला नहीं बहना, तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहना। ये एक मिनट में कनेडा तो दूजे मिनट के इंग्लैंड चला जाता है, ये स्थिर कदे भी नहीं रहिंदा। पातशाह का फरमान है ये मन खेल है हुक्म का वादा, एक खिन मैं दाह दिस फिर आवै। इस मन में जो फुरने फुरदे हन वह आम करके तीन प्रकार के होंदे हन, मंदे फुरने चंगे फुरने ना मंदे ते ना चंगे। मंदे फुरने मन नू मैला करदे ने, चंगे फुरने मन नू खिड़ांदे ने, ते मंदे ते ना चंगे फुरने मन नू कमजोर करदे हन। दरअसल साढ़े बहुते फुरने इस तीसरे किस्म के ही होंदे हन, जिन्हां दा थौ टिकाणा ही कोई नहीं होंदा ते बेतुके ही होंदे हन। सो इन्हां दे कारण मन बिल्कुल कमजोर हो जाता है ते भैड़े पासे एकदम डिगण नूं तैयार हो जाता है। दरअसल मन बलवान होना चाहीदा है जो भैड़े फुरनिआं नूं नेड़े ना आवण देवे। जदों असी किसी भैड़े फुरने नूं मन दे विच थां दे दिंदे हाँ तां उह फुरना मन विच पलना शुरू हो जाता है ते कुछ चिर पिछों साकार रूप धारण कर लैंदा है। जो भी कर्म असी अज करदे हाँ वह कदे फुरने के रूप में साढ़े मन अंदर आया सी, अज वो असली रूप में पूरा हो गया। सानू चाहिदा तो यह है कि जद कदी कोई गंदा फुरना साढ़े मन के विच आवे सानू एकदम उसनू बाहर कढ़ देना चाहिदा है। जिवें कोई गंद नाल लिपड़िया होया कुत्ता साढ़े कमरे के विच आ जाए असी तद ही साह लेंदे हाँ जद उसनू डांग मार के बाहर पजा दईए। मन लोचै बुरियाईयां गुर शब्दी ये मन होड़ी है। गुरु का शब्द नाम जद तक साढ़े पास नहीं होगा असी मन नूं भैड़े पासे जाणों रोक नहीं सकते, ते सारा खेड ही मन दा है। असी जो कुछ भी हाँ मन करके ही हाँ, पर चंगे मन करके ही वह चंगा ते बुरे मन करके ही वह बुरा है। मन दे साधे जाण दे नाल बंदा सिद्ध हो जाता है, ते इस करके भगत कबीर जी आखते हैं कि मन वर्गी होर कोई चीज़ नहीं। इस मन करके ही जीव संसारी है, तो मन करके ही आत्मक अभ्यासी है। ये मन पंजा तत्तां दा पुतला है, जद ये मन चौथी भूमिका दे विच जुड़ जाता है परमात्मा दा रूप धारण कर लेंदा है तो अर्श कुरश दीआं बातां जानण लग जाता है। नहीं तो यह मन खोता ऊंट हाथी बांदर अथवा खनली तोती वो चीथड़ा जिस दे नाल तेली कोलू नूं साफ करदे हन वांग नीज है, पर इहो ही मन जद साध्या जांदा है तां रब बन जांदा है, नहीं तां गंदे तो भी गंदा है। इस गंदगी नूं लाहुण दे लई इस नूं बलवान करन दा इको ही तरीका है, वह है नाम जपना, जिस नाल बंदा अकाल पुरख दे नाल जुड़ के उसका रूप बन जांदा है ते उसकी सारी शक्ति बंदे दे विच आ जांदी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।